दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक बहुत ही सस्ता सा हेलीकॉप्टर। ये लगभग 600 रुपए के आसपास में ये आपको अमेजन पे मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये हेलीकॉप्टर कैसा है, उड़ने में कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों आप इसका पैकेट देख सकते हैं, मैंने इसको अमेजन से मंगाया है, आपको बताया ही है। तो चलिए जल्दी से इस पैकेट को हम फाड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि यह हेलीकॉप्टर देखने में कैसा लगता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं एक बबल रैप के अंदर हमें यह हेलीकॉप्टर मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग पैक किए हैं। जल्दी जल्दी दोस्तों हम इसकी पैकेट को हटा देते हैं, जो इसकी पन्नी लगी हुई है बबल रैप। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है। दोस्तों इसके साथ भी थोड़ा खेल लिया जाए, चलिए इसको हटा देते हैं। दोस्तों बॉक्स पर देखेंगे तो आप स्काई ब्लेज लिखा हुआ है और फिर नीचे GD113 लिखा हुआ है। 2-in-1 है, मतलब ये सेंसर से भी चलता है और साथ ही साथ ये रिमोट कंट्रोल से भी चलता है। देखिए दोस्तों रिमोट कंट्रोल कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो दोस्तों हम बिना किसी देरी किए इसको हम इसके डिब्बे से बाहर निकालते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा खेल गए हैं, जो इसका रियल प्राइस थी उसको रगड़ दिए हैं किसी चीज़ से, क्या किया जाए। तो चलिए हम इसको निकाल देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इसका चार्जर दिखा देते हैं। चार्जर नहीं, चार्जर के साथ जो मिल गया है केबल छोटी सी पतली पिन वाले। और दोस्तों ये है हमारा हेलीकॉप्टर, ब्लैक कलर में और येलो कलर में कॉम्बिनेशन में दिया गया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप बताइए कि आपको ये हेलीकॉप्टर देखने में कैसा लग रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है और दोस्तों बहुत ही बढ़िया बात है कि ये लोग दो बैटरी हमें दे दिए हैं, नहीं तो जाना पड़ता दुकान, ख़रीदना पड़ता। और दोस्तों ये हमारा रिमोट कंट्रोल, ऑन ऑफ का बटन, लैंडिंग का है और टेक ऑफ का इसमें बटन दिया गया है। और सामने इसका दोस्तों एक ट्रिगर दिया गया है, जब आप इसको दबाएंगे तो इसी से ये रफ्तार पकड़ेगा ऊपर जाने के लिए। ऑन किए जब हम टेक ऑफ दबाएंगे तो चालू हो जाएगा, जैसे इसका ट्रिगर दबाएंगे तो ऊपर जाएगा। और दोस्तों सामने इसके सेंसर दिए गए हैं और एक ऊपर लाइट दी गई है बल्ब, जब हम बैटरी इसमें लगाएंगे तो इसका बल्ब ऑन हो जाएगा, मतलब बल्ब नहीं ऑन होगा, जब हम बैटरी लगाएंगे फिर जब हम ऑन करेंगे तब ये लाल वाला जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। दोस्तों अभी दिखाते हैं हम आपको, देखिए दोस्तों ऊपर देखेंगे तो एक रेड कलर की लाइट जल गई है। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो जिस हिसाब से इसका प्राइस है 600 रुपये, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ठीक ठाक इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम यूनिक तरीके का ये रिमोट कंट्रोल है। तो दोस्तों चलिए इसको हटा देते हैं, अब आपको हम दिखाते हैं ये हेलीकॉप्टर। यहाँ पर देखेंगे एक्सीड लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका ऑन ऑफ का बटन बहुत ही महीन सा, बहुत ही छोटा सा बटन दिया गया है ऑन ऑफ का। और जब इसे ऑन कर देंगे तो दोस्तों ये सेंसर से अपने आप ऑन हो जाता है, जब नीचे हाथ जाएगा इसके थोड़ा भी तो ये ऑन हो जाता है। और दोस्तों यहाँ इसका चार्जर, चार्जिंग करने का, ये देखिए पतली पिन हम लगा देंगे और इसको किसी चार्जर में लगा देंगे तो इसको आप चार्ज कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका प्रोपेलर देख लीजिए, ये दोस्तों फ्लेक्सिबल है, ठीक ठाक ही। दोस्तों प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है, जितना प्राइस लिए 600 रुपये उस हिसाब से दोस्तों बहुत ही अच्छा है ये। अब दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं घर के अंदर क्या हालचाल है। दोस्तों ये देखिए बहुत ही तेजी से उड़ के गया है। दोस्तों घर के अंदर छत उत पे है, लड़ उड़ जाएगा। तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं, बाहर हमें अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा कि कितना ऊपर जाता है, कितना कैसे, क्या हाल चाल इसकी है, ये तो सब हमें बाहर ही पता चलेगा। तो दोस्तों अब चलिए हम आपसे बाहर मिलते हैं। दोस्तों अब हम बाहर आ चुके हैं, अब हम इसको ऑन कर देते हैं ऑन। अब दोस्तों टेक ऑफ वाला बटन दबाने के बाद फिर हम इसका ट्रिगर दबाएंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अभी तो दोस्तों ये ऊपर नहीं जा रहा है,
अभी थोड़ी देर में शायद ऊपर जाए। दोस्तों ये लड़ भिड़ के नीचे गिर जाता है। अब दोस्तों फिर हम दोबारा एक बार और उड़ा देते हैं, देखिए उड़ता है इस बार कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं अब कि दोस्तों ये छत से थोड़ी सी ऊपर गया है, छत से ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन बहुत जल्दी नीचे भी गिर गया। और फिर दोस्तों फिर उड़ाते हैं हम, ये दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों ये उड़ान पकड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों इस बार कुछ ज़्यादा देर तक टिका था। फिर दोस्तों एक बार और हो जाए, दोस्तों ये ऊपर जाता है, लगभग आप समझ जाइए एक पेड़ की ऊंचाई जितनी होती है उसके ऊपर तक जाता है, थोड़ी देर टिकता है फिर नीचे आता है। दोस्तों इसकी ऊंचाई मुझे काफ़ी सही लगी है। अगर दोस्तों आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों ये ऊपर जाता है लेकिन ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रहता, ये बात है इसमें, जाएगा कुछ देर टिके उकेगा फिर लौट आएगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेलीकॉप्टर कैसा लगा है। दोस्तों मुझे तो इसके प्राइस के हिसाब से 600 रुपये के हिसाब से इसकी उड़ान भी अच्छी लगी है, कितने ऊपर ये जाता है मैंने आपको दिखाई दिया है। दोस्तों क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मैं तो कहूँगा आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, 600 रुपये 700 रुपये के आसपास है तो आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये मुझे हेलीकॉप्टर बहुत ही सही लगा है। इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है और लेकिन दोस्तों जब ये ऊंचाई पे जाता है तो लगभग 4 से 5 सेकेंड टिकता है फिर उसके बाद नीचे चला आता है, लेकिन इतने प्राइस में मुझे दोस्तों यही मिलेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही कमाल के वीडियोस लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी अनबॉक्सिंग या किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।